दोस्तों, फिलहाल में अभी चेकिंग वगैरह हो रहा है भाई। ट्रैफिक पुलिस वाले भैया लोग रुकवा लिए हैं। चलिए देख। और कहाँ कहाँ लेके जाओगे? देख सकते हैं, करंट तो नहीं मारेगा भैया ऐसा छोटू। तो वेलकम टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग, और मैं हूं आपका भाई एचके सोनी। तो दोस्तों, फिलहाल में आज है 14 तारीख, तो आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, फिलहाल मैं नहा धोकर मैं रेडी हो चुका हूं। तो भाई चलिए अब से नहा के आते हैं ना भाई हम लोग। उसके बाद ना कुछ चावल वगैरह रहता है, कुछ सामान जो गरीबों को दान करते हैं, ठीक है, पंडित वगैरह को। तो ये पिताजी छू चुके हैं, ये मेरे को छूना, सिर्फ छूना रहता है नहाने के बाद, ठीक है। और ये भाई साहब का, तो इसको भाई साहब नहा के जब आएंगे तो छुएंगे। और ये जितना भी चीज है ना, ये सब का सब दान किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। वो आपके ऊपर है, कोई कोई सिर्फ चावल ही करते हैं, कोई कोई चावल पैसा करते हैं, कोई कोई सिर्फ गुड़ चावल इस टाइप से रहता है अपना, यही है भाई, ठीक है। और नहा के आने के बाद भाई, तो चलिए क्या क्या चीज़ है आज। ये गुड़ है जो कि गुड़ में खाऊंगा नहीं, ये पेठा है, और ये तिल का सामान है, इसको तिलकुट बोलते हैं, और इसको भी तिलकुट, ये तो लड्डू बोलते हैं भाई इसको तिल का, और ये चूड़ा है। तो घर में मम्मी क्या है ना, मम्मी होती ना भाई तो मुर्रा का जो लड्डू बनता है ना, वो बनता, चूड़ा का बनता, और भी बहुत सारे चीज़ें बनते हैं। तो भाई थोड़ा सा भी घर का कंडीशन भी सही नहीं है, क्योंकि फैमिली में तो डेड भी किए हैं आप लोगों को पता होगा, और इधर भी घर में भी ना भाई थोड़ा सा समस्या चल रहा है, मेरे को मेरा भी समस्या चल रहा है, उधर पिताजी भैया का भी, उनका भी अभी फिलहाल में एक दो दिन, आज दूसरा दिन है, आज फिर से उनका दुकान भी बंद है अभी, ठीक है। दिक्कत ही दिक्कत चल रहा है भाई अभी, और थोड़ा घर में कुछ काम वगैरह भी चल रहा है। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा, ठीक है, 2-4, 5 दिन, 10 दिन जो भी। तो आप लोगों के लिए ना कंटिन्यू बैक टू बैक अभी ना पूरा सरप्राइज ही सरप्राइज भरा हुआ है भाई, ठीक है, काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। और चलिए अब हम लोग ना सबसे पहले निकालते हैं भाई, और खाते हैं बैठ के आराम से अपन। बोलते हैं ना मकर संक्रांति के दिन ना नहा धोवा के ना भाई सबसे पहले ना तिल का लड्डू खाना चाहिए, ठीक है। तिल का लड्डू सबसे पहले ना अपन लड्डू खाते हैं तिल का। और टाइमिंग लगभग दोस्तों 1:30 के आसपास हो रहा है, अचानक से ना मेरे पास दोस्त का मेरा कॉल आ गया, कहना है उसका कि हम लोग चलते हैं आपस बैकुंठपुर में, एक झुमका डैम पड़ता है वहां घूमने के लिए। भाई अब तक खाना बनाया नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, तो खाना बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगता, और प्लस ऐसे भी यार इधर उधर का कुछ कुछ सामान खाए, लेकिन थोड़ा मोड़ा मेरे को भूख भी लग रहा था। तो मैं क्या किया ना भाई, अभी जा रहा हूँ फटाक से, मैंने थोड़ा सा ना पोहा बना ले रहा हूँ, पोहा खाता हूँ उसके बाद निकलता हूँ, और उधर ही कुछ कुछ खा लेंगे भाई, देखते हैं हल्का फुल्का ही खाऊंगा जो भी खाऊंगा, ठीक है। मतलब मसाला वगैरह सामान कोशिश करूंगा कि एकदम ना के बराबर खाऊं। तो चलिए फटाफट से हम पोहा वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली पोहा रेडी हो चुका है, तो चलिए पोहा खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं भाई आराम से, क्योंकि अभी जाऊंगा ना, अब ना 2 बज चुका है, ठीक है, अगर अभी मैं जाऊंगा ना तो शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास ही आऊंगा। दोस्तों फाइनली देखिए पोहा बना के मैं थोड़ा खा ही रहा था, जो तक ना भाई खिचड़ी भी बन गया है, तो खिचड़ी भी खाई लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं भाई आराम से। अरे अरे बनोती नहीं होगा ब्रो, खिचड़ी बना भाई, पापा बनाया, मैंने बनाया। हेलो, मजा आया? वेरी टेस्टी। कितना लग रहा अभी? तू कहाँ नहीं खा रहा ब्रो? पेमेंट। तो आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमने? बैकुंठपुर झुमका खेलने जा रहे हैं। चलना करवा दूंगा। चल ब्रो बैठ। अच्छा मैं बैठूंगा, उसके बाद तू बैठेगा। अब आ गए हैं फिलहाल में गाड़ी में तेल लगाने भाई, गाड़ी में तेल लगा लेते हैं। भाई तो अपना पैसा दे, तेरा नहीं। पैसा दिया हूँ उसमें, 100 रुपये मेरा है ना रवि, 100 रुपया। दोस्तों फिलहाल में अभी चेकिंग वगैरह हो रहा है भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले भैया लोग रुकवा लिए हैं। चलिए देखते हैं अब क्या मैटर है भाई, उसके बाद फिर निकलेंगे अपन यहाँ से। दोस्तों फाइनली अब ना हम लोग बैकुंठपुर पहुंच चुके हैं, बैकुंठपुर भाई ये पॉपुलर एक सूट है, तो फिलहाल वहां जा रहे हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग। तो थोड़ी पिएगा चाय, कॉफी पिएगा ना तू? छोटू पिएगा चाय, छोटू दो चाय ऑर्डर करना भाई, चाय भाई, ये चाय का स्टॉल है इनका। तो अपन को चाहिए 2 ठो चाय और 1 कॉफी।
मोड़ का है दिया ब्रो टाइप स्पेशल पिएगा नहीं नहीं स्पेशल यहाँ पर नॉर्मली पिएंगे भाई ब्रो चेस तो पानी का बोतल उठा ले सलोनी भी लेनी है भाई अब आराम ठीक है चाय ठीक है ब्रो जब हम लोग ने अपना चाय वगैरह पी ली ना तब आया है रवि का कॉफी और रवि का है ना भाई सेलिब्रिटी है इसको कॉफी पीना मजा नहीं आया तो अगले पास ना चाय का जगह तो 10 रुपए का दूध दे लेना कहीं भी पीने के ठीक है ना दूध वाला बॉय काफी भीड़ लगा भाई इधर फुटबॉल भाई चल चल रवि आप छोटू एक तो गलत रास्ता मिली आया हो यार तुम लोग यार हाँ ठेला वगैरह भी लगा है भाई चाट है भैया का चाट नहीं फुल्की 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 भी यार चाट दोनों अच्छा चाट फुल्की दोनों है ये चाट है ये चाट और उधर भैया फुल्की खिला रहे हैं ठीक है भैया चल चल गाड़ी चालू कर चल खो भाई तो फिलहाल में दोस्तों ये रहा फर्स्ट एंट्री झुमका बोटिंग तो अब फिलहाल में लोग और बाइक का फिलहाल में यहाँ कटा है पर्चा कितने का 10 रुपए का बहुत महंगा अरे बहुत महंगा क्या बोलो देना पड़ेगा ना मेरी जान तो ये एंट्री में हम लोग पहुँच गए हैं भाई व्यू काफ़ी प्यारा सा है एक दो बार पहले भी हम लेकिन डैम वगैरह का ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया था मैं बिना चली थोड़ा बड़ा कैप्चर कर ही लेते हैं भाई तो तैयारी चल रही है कल पवन का कॉन्सर्ट है यार वो जरूर आ जाए अरे कल नहीं है ब्रो परसों बहुत महंगा है तो तू मत आना तेरे नाम का टिकट भी नहीं कटेगा पर्ची वगैरह कट रहा है इधर का भाई सब जगह और बच्चे लोगों का मिक्की माउस इधर खेलने के लिए ठेले वगैरह बहुत कुछ लगे हुए हैं भाई वाह भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है मैं तो मेरे को तो लगा मैं बोर हो जाऊंगा लेकिन नहीं यार ठीक ही ठाक है भाई तो कल ही 5 साल हुआ है कर चाह रहे अरे चाय का स्टोर लगा नहीं भाई चाय पीने का ना मेरे को बहुत ज़्यादा मन था एक हाँ मैं भी खुद यहाँ लगा लेते हैं मैं छोटे सोनो पार्टनरशिप में यहाँ पर चाय का दुकान खोले इधर क्या क्या चीज़ें देखो रवि मोमोज का दुकान है अंडा वगैरह में कुछ खाता नहीं शाकाहारी 60 रुपये लेना इसको जाने दे तो मैं भाई से मजाक कर रहा था पता है मैं इस भाई से मजाक कर रहा था कि मिक्की माउस में हम लोग भी जाएंगे भाई कितना रेट है बच्चे लोग का 30 रुपये की जगह हम 100 रुपये लेंगे भाई मना कर मजाक कर रहा जाएगा तू ऊपर 100 रुपये में नहीं मान रहा है भाई नहीं मानेगा भाई 200 ले ले तेरे को जाने देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना भाई इसको बोलते हैं बच्चे लोग का कूदने वाला ये देखो बच्चा कूद रहा है उछल उछल के अरे वाह इसको जाने देगा इसको जाने देगा 100 रुपये देगा भाई 100 रुपये जाने दे चल छोटू एक बार उल्टा छलांग मार यार उल्टा मार यार उल्टा छलांग मार ये मार 3 लोग हैं वैसे 100 किलो हो गए अरे गजब छोटू वाह भाई घुमा 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 घुमाओ यार बबल से भैया अच्छा बबल से चलाओ शैम्पू हम लोग भी दे देंगे वाह भाई कितने का छोटू 30 रुपये बस भाई बस 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 कर बस हाँ भैया कितने का आता है रवि 10-20 रुपये का होगा आपका अरे तो बच्चे लोग कमाएंगे नहीं क्या क्या नाम है आपका बता दे का चीज नाम है क्या नाम है आपका रोहन और आपका क्या नाम है हाँ गुलाब गुलकैब नाम है आपका अच्छा तो भाई लोग टेडी बियर और कुछ कुछ सामान बेच रहे हैं मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सबसे ज़्यादा मस्ती ना यहाँ अरमान कर रहा है छोटू कह रहा है कैसे ब्रो तो बच्चे लोगों को परेशान मत किया सबसे ज़्यादा बच्चे लोग को परेशान कर रहा है तेरे को पाप लगे पाप तो बोटिंग वगैरह वाला है भाई इधर ये देखिए आप ये बड़ा बोट है और ये इसका रेट पता करते हैं क्या रेट है इसका ये चलाने में मज़ा आएगा इसका रेट क्या है भाई अबे टूट गया है इसका ब्रेक उरेक अभी मेरे ख्याल से नहीं चलता है खराब है यार इसका ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं भाई कुछ है नहीं
और टिकट ना भाई बहुत ज़्यादा महंगा, एक आदमी का 150 रुपये, थोड़ा सा अगर हम टैक्सी लगवाएंगे बस। और उधर रेस्टोरेंट वगैरह कुछ इसके पानी के बीच में, पता है अपन एक काम करते हैं ना, वहाँ पास खड़ा होगा भाई, एक आध दो टूरिस्ट बना लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उधर चलते हैं, कुछ बार चलते हैं वहाँ पास कोरिया के पास। चल रवि चलो कोरिया के पास चलते हैं, वहाँ पास समंदर का पानी मारे ना। हाँ क्या ना छोटू, मुंबई गया था हम लोग, दिल्ली गए थे, मुंबई गया था, तुम वहीं का हाल चाल बता रहा है। वहाँ पत्थर कैसे लगे, तो गाइस अभी मैं इसको धक्का देने वाला हूँ, चुल्लू पर पानी में डूबेगा। और एक नाव यहाँ आ ही रहा है, पूरा का पूरा नाव हिल रहा है ये। मछली नहीं कुछ है भाई, ये भाई ये पूरा का पूरा मछली है इधर, पूरा मछली है। अच्छा आप लोग निकाले भैया कि खुद ही निकला है झटके से पानी से? अच्छा इसको निकाले आप लोग, वाह भाई पूरा भैया लोग निकाले हैं, देख रहे पूरा का पूरा मछली है, मछली इधर है पूरा ही। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पास, कोरिया लिखा है ना वहाँ पास, छोटू और अभी पहुँच गए वहाँ पास, और मैं हूँ अभी यहीं पास, जहाँ पास हूँ वहीं पास। बहुत बड़ा सा बांध है भाई, ये देखिए आप लोग पूरा का पूरा पानी ही पानी चारों तरफ, और भैया लोग पत्थर उत्थर जमा रहे हैं, ये पूरा स्पीड से कुदा रहा है भाई। डर हो गया, हाथ नहीं लगाना, हाथ पूरा मछली है, भैया लोगों का खाना रखा है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिलहाल आ गए, यहाँ पर एक बोटिंग लगा हुआ है जिसमें लिखा है कोरिया, जो कि टूट चुका है। अरमान का ही कहना है, छोटू का ही कहना था कि यहाँ पर आना है, लेकिन अभी यहाँ पर काम वगैरह चल ही रहा है, पूरा कंप्लीट काम हुआ नहीं है। कैसे ब्रो? ये देखिए यहाँ का काम करने वाले लोग सब लोग मछली ले जाते हैं, यहाँ भी मछली दिख रहा है। दिल टूट गया तो क्या बोल सकता हूँ भाई, टूट गया तो टूट गया, पता है तो दिल अजीब कुछ था क्या, ये तेरा दिल है, ये उसका दिल है, और ये गया डूब गया ना ब्रो, पता है क्या हुआ एक्चुअली में? अरमान का क्या कहना था कि हम लोग यहाँ आएंगे झुमका जाएंगे बैकुंठपुर में, मैं बोला अंबिकापुर चलते हैं थोड़ा घूम फिर लेंगे, तो इसका क्या कहना है अंबिकापुर बहुत घूमे हैं बचपन से, तो घूम ही रहे अंबिकापुर, चलते हैं बैकुंठपुर घूमने, झुमका डैम ले भाई, झुमका डैम में घूमो, और क्या घुमाने वाली भी नहीं, कोई घुमाने वाली भी नहीं, कोई घूमने वाला भी नहीं, और कुछ भी नहीं भाई, बांध दिया बस। मेरे हालात ऐसे हैं, गा दे रहे भाई, अभी फिलहाल में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर हम लोग आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ना भाई क्या है, बाकी देखते हैं भाई कितना टाइम भी लगेगा, उसके बाद खा चुके आराम से निकलेंगे थोड़ा घूमे। हाँ क्या बोल रहे हैं? आइलैंड। रवि तू भी कुछ बोलना चाहते क्या? इधर भीड़ भाड़ सब तरफ लगा हुआ है, ऑर्डर दिए हम लोग खाने के लिए, देखते हैं जितना टाइम भी ना लग जाए। क्या ऑर्डर दिया छोटू ना, क्या ऑर्डर दिया है? चीज गार्लिक। और दोस्तों अब ना फिलहाल में हम लोग ना झुमका डैम से निकल रहे हैं, ठीक है?
और भाई काफी अच्छा रहा। और कुछ ना कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ होने वाला है, कुछ शो वगैरह 16 तारीख को ना रवि, कब होने वाला है यहाँ का शो? 16 या 18 को, तो उसी का तैयारी वगैरह चल रहा है। ये हम लोग ना बैकुंठपुर के सबसे लास्ट स्टेज में, मतलब यहाँ मुक्ति धाम है जस्ट बगल में और इंदिरा पार्क, ठीक है। तो यहाँ आगे हम लोग इंदिरा पार्क की साइड बोलते हैं, तो आए हैं भाई, 5-5 रुपए का पर्चा कटाए हैं, ठीक है। तो अरे तो 5 रुपए मकर संक्रांति का दे दी भाई, उनका भी मकर संक्रांति रहेगा। तिल के लड्डू के बदले ही दे दिए हम 5 रुपए। चलिए थोड़ा मोड़ा घूमते फिरते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं भाई। बहुत ही प्यारा सा पार्क है, व्यू भी काफी अच्छा है, नजारा भी। और ये रोड मतलब इससे पहले आया था ना तो थोड़ा सा भाई मतलब साफ सफाई नहीं था, लेकिन अभी ना भाई काफी अच्छा साफ सफाई करना बंदोबस्त हो चुका है। घोड़ा 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 आ जा आ जा। भैया कितना पैसा लेते हो? भैया कितना पैसा लेते हो? कहाँ लेके जाओगे? देख सकते हैं, करंट तो नहीं ना मारेगा भैया ऐसा छोटू? इसको ना करंट मारे, छोटी है, छोटी है, छोटी देने वाली। हाँ, चला ब्रो। कितने साल का रहते हैं? अरे देख देख, मेरा बारी मेरा बारी मेरा बारी, पकड़ तो बस रुको। चल ले रही, पकड़ तो महिला जिम, ये पूरा का पूरा महिला जिम है, मतलब लेडीज लोगों का, जिसमें भाई कोट उट सब कोई पहन रहे थे हम लोग। इधर मैं भी पहन लिया हूँ कोट उट सब। चलिए बैठो, बैठते हैं ब्रो, अपन निकलते हैं। तो अब ना हम लोग फिलहाल में आ चुके हैं सूरजपुर, और सूरजपुर में जेल चाय बनते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और चाय और कॉफी पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो दोस्तों ये फिलहाल में आ गया है मसाला चाय, रवि नहीं लेगा क्या? कैसा लगा भाई? काफी बेहतर है भाई, काफी अच्छा है। तेरे को कैसा लगा? कैसा लगा मसाला चाय? परफेक्ट। ऑर्डर लग गई ना इसलिए।